कौन था कर्ण का बेटा जिसने छुड़ा दिए थे युद्ध में अर्जुन के पसीने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करना चाहेंगे महाभारत के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। जैसा कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कर्ण के बेटे के बारे में जिसने युद्ध में अर्जुन के पसीने छुड़ाए थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध आज तक का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और युद्ध के अंत में केवल 18 योद्धा जीवित बचे थे। कौरवों और पांडवों के बीच इस युद्ध में ऐसे कई योद्धा शामिल हुए जिनकी चर्चा आज भी होती है। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे वृषसेन। बता दें कि वृषसेन कर्ण और वृषाली के पुत्र थे और अपने पिता के साथ वृषसेन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 11वें दिन में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण पुत्र वृषसेन एक महायोद्धा और कुशल धनुर्धर थे। वृषसेन ने युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की निर्दयता से हत्या कर दी थी। तब अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने वृषसेन को मारने की कसम खाई। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की अनुचित हत्या में वृषसेन की प्रमुख भूमिका थी और उसने पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया था। दरअसल सशस्त्र अभिमन्यु का सामना करना असंभव था। ऐसे में अपने पुत्र की मृत्यु को याद करते हुए अर्जुन ने बदला लेने की योजना बनाई और अर्जुन ने अपने पुत्र को बचाने के लिए कर्ण को चुनौती दी थी। आखिर में अर्जुन ने 4 रेजर वाले तीरों के साथ वृषसेन पर जमकर हमला किया और अभिमन्यु की तरह वृषसेन के धनुष उसकी दो भुजाओं को काट दिया। अर्जुन ने कर्ण के पुत्र वृषसेन को उन्हीं के आंखों के सामने मारा। तो यह थे महाभारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य। और भी ऐसे रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को